नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस पे। मैं हूँ आरशी। राजकीय सम्मान के साथ आज नरोरा परमाणु गंगा तट पर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार होगा, जिसमें देश के कई दिग्गज राजनेता भी मौजूद होंगे। पूर्व सीएम को आखिरी बार देखने और श्रद्धांजलि देने के लिए अलीगढ़ की सड़कों पर लोगों की भीड़ जुटी रही। गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, प्रहलाद पटेल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई बड़ी हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज शाम 5 बजे अंतिम संस्कार होगा। देखिए न्यूज प्लस की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का आज बुलंदशहर जिले के नरोरा स्थित राजघाट पर अंतिम संस्कार होगा। उनका पार्थिव देह अलीगढ़ के अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम से अतरौली के PWD गेस्ट हाउस पहुंच चुका है। यहां गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, प्रहलाद पटेल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई बड़ी हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व सीएम के अंतिम सफर में 1000 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला शामिल है। अतरौली में करीब 2 घंटे तक उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर नरोरा गंगा घाट पर पहुंचेगा, जहां शाम 5 बजे के करीब उनका अंतिम संस्कार होगा। पूर्व सीएम को आखिरी बार देखने और श्रद्धांजलि देने के लिए अलीगढ़ की सड़कों पर लोगों की भीड़ जुटी रही। पीएम मोदी ने कल्याण सिंह के निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए पत्रकारों से कहा कि उनके माता पिता ने उनका नाम कल्याण सिंह रखा था। उन्होंने जीवन ऐसा जिया कि अपने नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण करते रहे। ये शोक की घड़ी है। कल्याण सिंह जी के माता पिता ने उनका नाम कल्याण सिंह रखा था। उन्होंने जीवन ऐसे जिया कि उन्होंने अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया। स्पेशल डेस्क न्यूज प्लस। भाई और बहन का रिश्ता सबसे अलग होता है, एक ऐसा एहसास जो कि शब्दों में तब्दील होना मुश्किल सा लगता है। भाई पर मुसीबत हो तो बहन का दिल दहल जाता है और बहन का कष्ट देखकर भाई कुछ भी कर जाता है। रक्षाबंधन का पर्व इसी प्यार को जाहिर करने का एक दिन है। इस दिन सभी बहनों अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर अपनी और अपने भाई की रक्षा करने का वचन देती और लेती हैं। आज कानपुर कारागार में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने की इजाज़त जब मिली तो सुबह से ही बहनें जिनके भाई जेल में हैं उनको राखी बांधने पहुंच गई। देखिए न्यूज प्लस की ये खास रिपोर्ट। जिला कारागार कानपुर में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। कोरोना की सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए कारागार में बंद कैदियों को उनकी बहनों ने रक्षा सूत्र बांधा। इस दौरान कुछ बहनों की आंखें नम भी दिखी। आपको बता दें कि सुबह से ही कारागार के बाहर बहनों का आना शुरू हो गया था और हाथों में मिठाई का डब्बा और राखी लिए बहनें जेल के बाहर लाइन में खड़े होकर अपने भाई से मिलने का इंतजार करने लगी। और फिर सभी बहनों ने जेल में बंद सभी भाइयों को राखी बांधकर उनके साथ वक्त भी बिताया। इस दौरान जेल अधीक्षक आर.के. जायसवाल ने बताया कि सभी बहनों को उनके भाइयों से मिलने की इजाज़त दी गई है। बैच बनाकर परिवारजनों को जेल के अंदर आधे घंटे की मुलाकात का समय दिया गया था। मुलाकात के लिए परिजनों की RT-PCR की रिपोर्ट या फिर वैक्सीनेशन लगे होने का पुष्टि कार्ड अनिवार्य था। जैसा आपको मालूम है, लगभग पिछले 18 महीनों से बंदियों की मुलाकात पर प्रतिबंध था। दिनांक 16 अगस्त से शासन के निर्देश पर बंदियों की मुलाकात अमूमन कुछ शर्तों के साथ की गई। इसमें शर्त यह है कि जो भी परिजन बंदियों के आए उनको साथ RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए और अधिकतम 2 व्यक्ति सप्ताह में एक बार ही मिलने का अनुमति प्रदान की गई। क्योंकि आज रक्षाबंधन का पर्व भीड़ अत्यधिक हो जाती है, हमारी बहनें या माताएं जो भी उनके भाई अंदर बंद हैं उनसे मिलने आते हैं, तो आज कोशिश हमने ये की है कि उन लोगों को वापस ना जाना पाए। आज वो रक्षा सूत्र बांध के अपने भाइयों के
कलाई भी बांध के जाएं। इसके लिए हमने थोड़ा सा रिलैक्स किया है कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ साथ अगर किसी के पास वैक्सीनेशन कार्ड है वो है या प्लस एंटीजन टेस्ट भी उसके पास रिपोर्ट है तो मैंने उसको अनुमति दी है मिलने की। और कारागार प्रशासन का ये प्रयास है कि आज इस पर्व पे हमारी कोई भी माताएं बहनें बिना रक्षा सूत्र बांधे वापस ना जाने पाए, ये कारागार प्रशासन का प्रयास है। देखिए एक बार में जो कि जगह जो है हमारी सीमित है तो लगभग 100 बंदियों की मुलाकात एक बार में कराई जाती है और अधिकतम आधे घंटे की मुलाकात होती है। न्यूज प्लस के लिए कानपुर से अविरल गुप्ता की रिपोर्ट। युवा कांग्रेस ने एक अनोखी पहल की जो समाज के सामने एक उदाहरण है। यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने 18 आर्थिक रूप से असक्षम व दिव्यांग जोड़ों की शादी करवाई। साथ ही युवा कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा सभी नवविवाहित वधुओं को गहने, जेवर एवं घर गृहस्थी के अन्य सामान भी उपहार स्वरूप दिए गए। युवा कांग्रेस के सदस्यों ने इस मौके पर काफी उत्साह जाहिर किया और नाचते गाते इस सामूहिक विवाह को संपन्न कराया। देखिए न्यूज प्लस की ये रिपोर्ट। युवा कांग्रेस ने एक अनोखी पहल की है जिसमें वो समाज के सामने एक उदाहरण बन गए। युवा कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर 18 आर्थिक रूप से असक्षम एवं दिव्यांग जोड़ों की शादी करवाई। साथ ही युवा कांग्रेस सदस्यों के द्वारा सभी नव विवाहित वधुओं को गहने, जेवर एवं घर गृहस्थी के अन्य सामान भी उपहार स्वरूप दिए गए। युवा कांग्रेस के सदस्य इस मौके पर काफी उत्साहित नजर आए और नाचते गाते इस सामूहिक विवाह को सम्पन्न कराया। इस कार्यक्रम में 18 ऐसे जोड़ों का विवाह कराया गया जिनमें कई बेटियां गरीब परिवार की हैं और उनकी शादी में काफी दिक्कतें थीं। साथ ही कुछ जोड़े जो दिव्यांग हैं उनका विवाह भी संपन्न कराया और भेंट दी गई। सभी जोड़ों को बस द्वारा लाया गया और रीति रिवाज से उनकी शादी संपन्न कराई गई। युवा कांग्रेस की अनूठी पहल वाकई काबिल तारीफ है। स्पेशल डेस्क न्यूज प्लस। अभी के लिए बस इतना ही, पर लगातार बने रहिए न्यूज प्लस के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा न्यूज प्लस 24/7। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस। न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।